हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सीते, थक गई क्या? नहीं, प्यास लगी है। भैया, उधर बस्ती दिखाई दे रही है, कुआं या बावड़ी अवश्य हो, उधर चलते हैं। ठीक है। सुनो भाई, यहाँ पीने के जल की व्यवस्था हो सकती है? क्यों नहीं, पास ही हमारा गांव है, चलिए हमारे साथ। चले भैया। चलो। अरे पानी न बनाए होते भगवान तो जाने क्या से क्या हो जाता। जान पड़त है, बहुत दूर से आए हैं और यहाँ पहली बार दिखाई दिए। कौनो परदेसी मालूम पड़त है? हाँ, सन्यासी का बाना तो अवश्य पहने हैं, मुरा दिखते हैं कहीं के राजकुमार। तुम क्या अटकल पच्चू बोलत रहो तो, ये बिहड़ रास्ता में नंगे पाँव साथ में किसी सुकुमार स्त्री को लेके कौनो राजकुमार काहे को आई? हाँ, अरे तू नहीं जानती है, विधि का विधान है, विपता प्रतियत बड़े बड़े राजकुमार भी कंगाल हो जाते हैं। अब रहे देवो, अपन ज्ञान न बघारो, बेचारन के मन दुखी हुई गाँव आई गई वा। चलो हम लोग ये लोगन का पानी पिला दी। हाँ, पानी तो पिला ही देंगे, मुदा तू मुंह बंद रख। बिचारी बटोई प्यासी है। हाँ हाँ, काहे नहीं, आओ बे। रास्ता चल के आई हो, बैठो तनिक आराम करो। आओ भाई। जरा चना चबे ना और सत्तू ले आ। अभी लाई दीदी, भूखे होंगे। आओ लक्ष्मण, आओ। बहन, थोड़ा पानी दे दो। रंगते बनवासी है ये तो हम ना ही मानत, बन में कोई अपनी खुशी से थोड़े ही आवे है, हम तो अपनी इच्छा से ही आए हैं। झूठ काहे बोलो हो। अच्छा ये बताओ, ये दोनों कौन है? जिनके हाथ में धनुष है वो मेरे देवर हैं, जिनके कंधे पे धनुष है हाँ तुम्हारे भरतार हैं, है ना? अरे अच्छा, नाव का है उनका? किनका?
अरे नाम मत ले अपने बर्तार का, अच्छा अपना ही बता दो। अच्छा अपने देवर का तो बता ही दियो। मेरा नाम सीता है और मेरे देवर जी का लक्ष्मण। लक्ष्मण, सीता, तो तुम राम हो? राम लक्ष्मण सीता हमार गांव में हैं? तो तुम ही राम लखन और सीता हो जिन्हें राजा ने वन में भेज दिया? सीता राम, हाय रे दैया, कैसे कठोर है इनके माता पिता जो फूल जैसे बहू और बेटे को वन में भेज दिया। नहीं बहन, हम स्वयं अपनी इच्छा से ही वन में आए हैं। कौनो स्वयं वन में नहीं आता, ये सब होनी के खेल है कुमार जी। आप जैसे वन में कष्ट भोगेंगे तो फिर ब्रह्मा ने राजपाट किसके लिए बनाए हैं? आपके नंगे पांव देख के तो रुलाई आती है, आप तो हमारे राजा हैं। बिटिया, हमसे कोई भूल हो तो क्षमा कर देना, तुम तो हमार रानी हो। आज्ञा हो तो पथ में आपके चरणों के नीचे अपने हाथ रखते हुए साथ साथ चले। नहीं भाई, हमारे लिए शोक न करो, हमें कोई कष्ट नहीं है, अब हमें आज्ञा दो। आगे आप वन में कहाँ जाएंगे प्रभु, इसी गांव में रह जाइए। नहीं भाई, हमें चित्रकूट पहुंचना है। भरद्वाज मुनि ने कहा था वह स्थान ही उत्तम होगा, आप हमें वहां का रास्ता बताने की कृपा करेंगे?